गांधीधाम मिशन स्माइल अने मुथूट पप्पाचन फाउंडेशन द्वारा डिवाइन लाइफ हॉस्पिटल आदिपुर खाते 3 दिवस माटे क्लेफ्ट सर्जिकल केम्पनु आयोजन करवामां आव्युं हतुं। केम्पमां टोटल 42 रजिस्ट्रेशन करवामां आव्या हता, जेमांथी 31 सर्जरी करवामां आवी हती। आ केम्पमां आवनार तमाम दर्दीओनी निःशुल्क सारवार कराई हती। आ उपरांत दर्दी तथा तेनी साथे आवनार व्यक्तिओ माटे जमवा रहेवानी व्यवस्था अने आववा जववा माटे ट्रावेलिंग खर्च पण आपवामां आव्यो हतो। नमस्कार, मेरा नाम रफ़ी है। मैं मिशन स्माइल में काम करता हूँ एज अ नेशनल प्रोग्राम हेड, और मेरे साथ है हमारे सहयोगी वॉलेंटियर डॉक्टर कुलजीत सिंह, जो एनेस्थीसिया टीम लीडर है, पंजाब लुधियाने से आए हैं, और अनदर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट फ्रॉम चेन्नई डॉक्टर अन्नू थियागराजन। शी इज एन एसोसिएट प्रोफेसर इन अ मेडिकल कॉलेज एंड ही ऑल्सो इज अ कंसल्टेंट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इन अ बिग इंस्टीट्यूशन इन लुधियाना। तो हम लोग कच्छ में एक मेडिकल कैंप करने आए थे मिशन स्माइल की तरफ से, जो कि क्लेफ लिप और क्लेफ पैलेट बच्चों का फ्री सर्जरीज करते हैं अक्रॉस इंडिया में। लगभग हम लोग 22 स्टेट्स में काम कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर जो प्रोग्राम यहाँ पे हुए हैं मुथूट पप्पाचन फाउंडेशन के सहयोग से, स्पॉन्सर्ड बाय देम, और जो हॉस्पिटल पार्टनर है हमारा डिवाइन लाइफ हॉस्पिटल। ये पहला बार नहीं है कि हम गुजरात में आए हैं, इससे पहले भी हम लगभग 10 बार ऐसा कैंप किए हैं अक्रॉस इन बापी, बडोदरा, अहमदाबाद, डीसा, राजकोट, एंड ये इस बार कच्छ में हुए हैं। हालांकि कच्छ में ये पहला मिशन है। जब हम लोगों को बारिश के बारे में पता चला, ये पूरा वेदर्स के बारे में पता चला, हमको लगा था कि ये मिशन बिल्कुल होंगे नहीं। बट जैसे हम लोग आए यहाँ पूरा टीम लेके, लोग हैदराबाद से आए, लुधियाना से आए, चेन्नई से आए, कोलकाता से आए, गुवाहाटी से आए, तो पूरे देश की हर विभिन्न स्टेट से आए हुए हैं और सब फ्री में काम करते हैं लोग। ये सब बच्चे को जो फ्री सर्जरीज हम लोग दे रहे हैं मुथूट हॉस्पिटल के सहयोग से, और डॉक्टर्स भी हमारे लिए फ्री में काम करते हैं। पेशेंट्स कोई पैसा नहीं लेते हैं और पेशेंट्स के लिए फ्री सेवाएं देते हैं। तो कच्छ के लिए ये पहला मिशन था। वहाँ पे हम लोग चाहते थे कि अराउंड 50-60 सर्जरीज करें, कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ एवरीबडी नोज कि वेदर बहुत ही खराब था, बहुत बारिश हुए, बहुत पेशेंट्स रजिस्टर्ड हुए थे लेकिन आ नहीं पाए क्योंकि पानी जम गया उन लोगों का घरों में। फिर भी लगभग हमारे पास कुछ 45 पेशेंट आए, उनमें से हम लोग सेफली 32 केसेस कर रहे हैं आज तक। लास्ट 3 दिन से 2 टेबल में हम लोग ऑपरेट कर रहे थे, जो भी सर्जन एनेस्थेटिस आए हैं सब मिलके, और आज हमारा 32 पेशेंट्स कंप्लीट हुए हैं और वेरी वेरी सेफली किए हैं। आप लोग खुद देख सकते हैं रिजल्ट, बच्चों का कैसे सर्जरीज हुए हैं, और हम लोग बहुत बहुत आभारी हूँ। मतलब पर्टिकुलरली मिशन स्माइल की तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जो डिवाइन लाइफ हॉस्पिटल में उन लोगों ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देके जो हेल्प किए हैं, उसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ऐसा हॉस्पिटल और ऐसा मैनेजमेंट है इसलिए हम लोग है, और इसलिए ऐसे बच्चों को फ्री में सर्जरी संभव होता है। प्लस हमारे जो लॉन्ग टाइम पार्टनर है मुथूट पप्पाचन फाउंडेशन, वो हमारे साथ लगभग 10-11 सालों से काम कर रहे हैं, और 3000 से ज्यादा सर्जरीज फ्री ऑफ कॉस्ट अब तक करा चुके हैं 11 स्टेट में, और ये कंटिन्यू रहेंगे। इनफैक्ट ये जो मिशन कर रहे हैं ये 58 ऑफ मिशन है, 50वां नंबर मिशन है मुथूट पप्पाचन ने डोनेशन किया हुआ मिशन। एंड अभी कच्छ के बारे में हम लोग भविष्य में बिल्कुल और ये काम को आगे बढ़ाएंगे। मे बी विद इन 1-1.5 मंथ्स फ्रॉम नाउ हम लोग वापस आएंगे फिर से, जितने पेशेंट्स आ नहीं पाए रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद, तो उन लोग को फिर से सर्जरीज करवाना है, तो वो बच्चे लोग भी आएंगे। आके हम सब ये जो फ्री मुहैया हो रहे हैं गवर्नमेंट के भी सपोर्ट लेंगे। इनफैक्ट हमारा गवर्नमेंट ऑफ गुजरात है NHM की तहत से, वो लोग बोले हैं कि हमारे साथ एसोसिएटेड रहेंगे और ये सब पेशेंट्स गांव-गांव से लेके आने के लिए हम लोगों को मदद करेंगे। तो हम भी आप लोगों के जरिए सबको बताना चाहते हैं कि ये एक संपूर्ण विनामूल्य है, आप लोग आके इसका सुविधा ले सकते हैं और बेस्ट ऑफ बेस्ट सर्जन एंड एनेस्थेटिस्ट आके आपको ये ट्रीटमेंट करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर कुलजीत है, मैं कंसल्टेंट हूँ लुधियाना हॉस्पिटल में, और मेरे को 8 साल हो गए मिशन स्माइल के साथ काम करते हुए। ये मेरा सौभाग्य है जो मेरे को इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन मिली और हमारे को लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है, जो लोगों का प्यार मिलता है, लोगों को जो हम आंखों में देखते हैं उससे हमारे हौसले बहुत बुलंद होते हैं, अच्छा लगता है हम अपने लोगों के लिए कुछ कर पाते हैं। गुजरात में ये मेरा 4th मिशन है, तो बहुत अच्छा था। पहले थोड़ा मुश्किल लगा क्योंकि मौसम ठीक नहीं था, बारिश वगैरह काफी हुआ, तो हमको थोड़ा डर लगा भी था कैसे होगा। भगवान की काफी कृपा थी और हॉस्पिटल की काफी सहयोग के साथ, स्पेशली सर्जन ने बहुत अच्छा काम किया,
और मेरी टीम की तो मैं बात ही नहीं कर सकता, वो सभी ने, डॉक्टर अनु इधर है, डॉक्टर ब्योला है मेरी टीम के, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। और देखिए हमने अभी 30 से ऊपर ऑपरेशन हमने रब कर लिए हैं, तो भगवान की कृपा रहेगी, ऐसा हमारे को सहयोग मिलता रहेगा, हम आगे भी ऐसी सेवाएं देते रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मनीष मुकुल घोष है, मैं कलकत्ता में प्लास्टिक सर्जन हूँ। मैं यहाँ पे गांधीधाम में मिशन स्माइल की ओर से आया हूँ। हम अकेले नहीं आए हैं, हमारे एक टीम आया है, ये एकदम आसाम से लेकर चेन्नई तक, पंजाब से लेकर वडोदरा तक हमारा एक बहुत बड़ा टीम आया है। हम ऐसा टीम लेकर भारतवर्ष में कई स्टेटों में ऑपरेशन करते हैं। गुजरात में ये हमारा 10वां मिशन है। इस साल हमने सोचा था कि हम 3 टेबल करेंगे और 50 ऑपरेशन करेंगे, लेकिन ये जो बाढ़ हुआ है और बारिश हुआ है इसके वजह से हमारा वडोदरा का टीम आ ही नहीं पाया, बिकॉज वहां पे काफी पानी जम गया वडोदरा में, तो एक टेबल कम करके हमको 2 टेबल पे ऑपरेशन करना पड़ा। हम लोगों ने 80 पेशेंट देखने का बात था, हम लोगों ने 45 पेशेंट देखा और हम लोगों ने 32 ऑपरेशन किए हैं, तो 32 ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, हम पेशेंट को घर छोड़ देंगे। कुछ पेशेंट एक दिन रहे, कुछ पेशेंट 2 दिन रहे हैं। डिवाइन लाइफ हॉस्पिटल का बहुत अच्छा सेटअप है, यहाँ पे सभी ऑपरेशन स्टाफ बहुत अच्छे हैं, हमारे वार्ड के स्टाफ बहुत अच्छा देखभाल किए हैं, हमारे एक ICU भी है जहाँ पे बच्चों को ऑपरेशन करने के बाद हम लोग रखते हैं। ऑल इन ऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है हम लोगों का, और ऐसा बाढ़ नहीं होते तो और पेशेंट आ सकते और सर्जन आ सकते, ऐसा और भी कर सकते थे। मैं मिशन स्माइल के ओर से मैं कभी 20 साल काम कर रहा हूँ इस ऑल ओवर इंडिया, सभी स्टेटों में हम लोग का एक प्रोग्राम है। आसाम सरकार के साथ हमारा पृथ्वी का सबसे बड़ा क्लेफ्ट सेंटर है, जहाँ पे हमने 25,000 क्लेफ्ट ऑपरेशन किए लास्ट 10 साल में। आसाम गवर्नमेंट ने हमको एक हॉस्पिटल दिया है और 50% कॉस्ट बेयर करते हैं। ऐसे ही हम दूसरे गवर्नमेंट के साथ ये प्रोग्राम करना चाहते हैं, जिससे ये बच्चे का ऑपरेशन हो, बच्चे को कोई पैसा नहीं, बच्चे के फैमिली को कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, जाने आने का खर्च भी देते हैं, हॉस्पिटल में रहने का खर्च, खाने पीने का खर्च सब कुछ देते हैं हम लोग, दवाई सिलाई जो जो लगता है, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट जो जरूरत होता है बच्चों के ऑपरेशन के लिए, सब हम ये फ्री करते हैं। तो हम चाहते हैं कि जैसे हम लोग हमारे गुवाहाटी सेंटर में आसाम में, हम लोग वहां से 7 नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट के सब बच्चों को एक ही जगह में ट्रीटमेंट करते हैं, वैसा एक सेंटर हम भी करना चाहते हैं। गुजरात में हमारा एक छोटा सा सेंटर है वडोदरा में, लेकिन हम चाहते हैं सरकार के साथ एक साथ मिलकर हम यहाँ के सर्जन के साथ अगर हम लोग एक ऐसा कुछ सेंटर कर सकें तो अच्छा हो। पेशेंट को इस टाइप का सर्जरी के लिए 2-3 बार आने का कभी कभी जरूरत पड़ता है, फॉलोअप के लिए रहना पड़ता है हमारे साथ 10-15 साल, तो ये एक जगह में होने से बेटर होगा। लेकिन जब तक ये सेंटर हम लोग नहीं रेडी कर सकेंगे, तब तक हम लोग गुजरात में आते ही रहेंगे, हमारे ऑल इंडिया टीम आके यहाँ पे काम करेंगे। हमारा दूसरे जो संस्था है क्लेफ्ट ऑपरेशन करते हैं दूसरे संस्था, लेकिन हमारा एकमात्र संस्था है भारतवर्ष में जहां सभी पेशेंट के ऑपरेशन का पैसा हम ही उठाते हैं, भारत में ही उठाते हैं, नई कई कंपनी के साथ, जैसे इस मिशन को हमने फाइनेंस किया था मुथूट फिनकॉर्प, तो इस टाइप के CSR प्रोग्राम इंडियन ऑयल, गेल, कोल इंडिया वगैरह वगैरह सरकारी संस्था और कुछ बेसरकारी संस्था के साथ और गवर्नमेंट्स के साथ हम लोग एक साथ हाथ मिलकर प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सभी जगहों से डॉक्टर, नर्स, एनेस्थीशिया, स्पीच थेरेपी, सभी डेंटल, सभी का काम हम लोग एक साथ करते हैं, एक साथ मिलजुल के करते हैं। ये हमारा फर्ज है, ये हम फर्ज निभाने की कोशिश करते हैं। कोई पेशेंट को पैसा नहीं देना पड़ता है, कोई डॉक्टर को भी पैसा नहीं मिलता है, हम लोग सब वॉलंटरी काम करते हैं। हमारी आशा है कि इस हिसाब से हम लोग क्लेफ फ्री गुजरात कर सकेंगे, फिर क्लेफ फ्री इंडिया कर सकेंगे स्टेप बाई स्टेप, और हम लोग के साथ पेशेंट्स, पेशेंट के घर वाले, एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल के संचालक जो हैं, सब एक साथ मिलकर अगर हम काम करेंगे, श्योरली हमारा एक अच्छा रिजल्ट होगा। कच्छ में हम पहली बार आए हैं, इसके पहले हम आए थे राजकोट में, इसके पहले हम लोग ऑपरेशन किए हैं दिशा में,
अहमदाबाद में और हमारे वडोदरा में सेंटर है, तो वहां पे रेगुलर हर महीने हर हफ्ता वहां पे ऑपरेशन होता है। लेकिन इतना नहीं है यहाँ पे, जैसे हमें एक साथ 3 दिन में हम लोगों ने 30-32 ऑपरेशन किए हैं। इस टाइप का मिशन हम लोग कच्छ में और करना चाहते हैं। दूसरा कोई हॉस्पिटल अगर मिला या गांधीधाम में अगर हमको फिर से मिला, अगर इस टाइप का बारिश नहीं होगा तो पेशेंट के आने का प्रॉब्लम नहीं होता है। इस बार हमारा कट शॉर्ट करना पड़ा थोड़ा, क्योंकि पेशेंट आ नहीं सके, फिजिकली आ नहीं सके। हमारे पेशेंट आते हैं 250-300 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं ऑपरेशन करने के लिए। कच्छ बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एशिया है, तो इतना बाढ़ होने से आना मुश्किल पड़ता है। इसी की वजह से हम जितना ऑपरेशन करना चाहते थे उतना नहीं कर पाए। कुछ पेशेंट वेटिंग है, एटलीस्ट 40 पेशेंट और वेटिंग है ऑपरेशन करने के लिए। नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे हम लोग फिर से कर। मारू नाम हर्ष गोरडिया जी, हमें हमारी भतरीजी हिरल ने लेने आया था, हमने सारी ट्रीटमेंट एवी मिली है, जे एक ना दारू तीना थी वधारे सारी हमने सारवार मिली है। भतरीजी ने नानी थी 5-6 दिवस ने थी त्यारे उंदर ना काटवा थी नाक अर्धु खवाई गयु तू, एना माटे हमें सर्जरी करावी है। बेस्ट में बेस्ट सुविधा मिली जाए, निःशुल्क में निःशुल्क। लोगों ने संदेशो जाए कि आपने सरकार आवी सुविधा आपे जे तो एनो फायदो लेवो जोईए।